IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, देश दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। बड़े बड़े शहरों से लेकर देश के छोटे कस्बों तक हर खबर अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज इलाहाबाद से। अभी आपके सामने वो विजुअल होगा जिसमें आप देखेंगे एक दरोगा को जिसकी लड़ाई हो गई और वकीलों के साथ उसकी लड़ाई हुई। ये वकील चाहते थे एक मामले में FIR दर्ज कराना, लेकिन इसी मामले पर दरोगा और वकीलों के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद इस पुलिस वाले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सामने एक वकील को गोली मार दी। ये उस पर आरोप है। उस वकील की मौके पर ही मौत हो गई और एक और वकील घायल हो गया। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ है। शलभ, विस्तार से बताएं क्या हुआ। देखिए, ये जो दरोगा है शैलेंद्र, ये किसी काम से कचहरी में गया हुआ था और वहीं पर जो नबी एक वकील है उनसे किसी बात पर इसकी बहस हुई और बहस के दौरान ही मारपीट हो गई। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि जो वकील थे उनके साथी मिलकर इस दरोगा को मारने लगे और उसी दौरान इस दरोगा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, शैलेंद्र जिसका नाम बताया जा रहा है, और उसने सीधा फायर किया जिसमें वकील की मौत हो गई है, जो नबी है, और उसके अलावा एक वकील जो है जख्मी है, उनके पैर में चोट लगी है। इस घटना के बाद जो आरोपी दरोगा था वो भागा है वहां से और उसने पास में SSP दफ्तर के पास जाकर अपने आप को महफूज किया, और जब फोर्स इकट्ठा हुई, वहां पर पुलिस इकट्ठा हुई, तो वहां से भाग निकला। इस घटना को लेकर काफी नाराजगी है। वाराणसी की बात करें, चाहे प्रतापगढ़ की बात करें, चाहे इलाहाबाद की बात करें, वकील बहुत गुस्से में, उन्होंने तमाम जगहों पर तोड़फोड़ की है, तमाम जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें आग लगा दी है, और इसको लेकर पूरे प्रदेश में सरकार की तरफ से अलर्ट कर दिया गया। चलो, संक्षेप में, ये जो दरोगा है जिसने बाकायदा इस पर आरोप लगाया कि गोली चलाई और उसमें कम से कम एक वकील की मौत हो गई, इस वक्त ये दरोगा कहां है? देखिए, ये दरोगा फरार है, इसका अभी कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस का ये कहना है कि उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद से इस दरोगा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। धन्यवाद चलो मणि त्रिपाठी। आप देख रहे हैं कैसे वकीलों का गुस्सा उत्तर प्रदेश में फूटा है, लेकिन दिल्ली में भी एक खबर आई है जहां 8 साल के एक बच्चे के कत्ल के बाद पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया, पुलिस की जीप को तोड़ डाला और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें कई लोग घायल हो गए। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में 8 साल के मासूम की लाश जंगल में मिलने के बाद से ही लोगों का गुस्सा भड़का तो उन्होंने पुलिस थाने पर धावा बोल दिया। इस दौरान भीड़ ने थाने पर पत्थर फेंके और फिर पुलिस की जीप को भी तोड़ डाला और DTC बस पर भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने जवाब में लोगों पर लाठी चार्ज की जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। बता दें, प्रहलादपुर इलाके में 9 मार्च को एक 8 साल का बच्चा लापता हो गया था। घर वालों ने जब पुलिस में शिकायत की तो पुलिस वालों ने FIR दर्ज नहीं की। कल शाम को एक जंगल से बच्चे की लाश मिली है, जिसके बाद लोगों ने गुस्से में थाने पर हमला बोल दिया। पुलिस अब तक आरोपियों के बारे में पता नहीं लगा पाई है। तो उसके यहाँ ब्लेड लगे हुए थे और नीचे की बॉडी भी कटी होगी, हमें पता नहीं है। पुलिस वालों ने शॉल डाल दी, माँ बाप को देखने नहीं दिया, बहुत दूर बॉडी रखी थी। मध्य प्रदेश के बैतूल से दिल दहला देने वाली एक खबर आई है जहां पर एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी को और 2 बेटियों को जिंदा जला दिया, और साथ ही साथ इस इंजीनियर का कहना है कि ना तो कोई रंजिश थी, ना उसको किसी से गुस्सा था, लेकिन वो एक बीमारी से परेशान था। पुलिस की गिरफ्त में इस शख्स का नाम प्रवीण मनावर है। प्रवीण के मुताबिक 7 महीने पहले ही उसे खुद के और अपनी पत्नी के HIV पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। इतना ही नहीं, दोनों के बच्चों में भी वैसे ही लक्षण दिखाई दिए। कुछ वक्त तक सदमे में जीने के बाद प्रवीण और उसकी पत्नी ने आत्महत्या करने का फैसला किया। अमरावती से आते वक्त बैतूर के बाद प्रवीण ने अपनी कार को खाई में धकेल दिया और फिर पेट्रोल छिड़क कर कार में आग लगा दी। गाड़ी में पेट्रोल डाला और खाई में ले गए, वहाँ से उसको नीचे ले गए और ले जाके उसमें आग लगा दी किसी। इस घटना के बाद प्रवीण ने खुद को पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण किया, लेकिन पूरी कहानी अब तक एक पहेली बनकर पुलिस के सामने है, क्योंकि प्रवीण के परिवार वालों के मुताबिक उन्हें ना तो किसी बीमारी की जानकारी थी और ना ही किसी दुश्मनी की। हरियाणा के करनाल में एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग का मामला पूरी तरह बदल गया है। जहां पहले ऐसा लग रहा था कि यह वाकई किडनैपिंग का मामला है, वहीं अब मामला पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है। कैसे, यहां पर देखिए।
हरियाणा 50 लाख के लिए हुई किडनैपिंग का मामला फर्जी दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह है मंदिर से मिली वो सीसीटीवी फुटेज, जिसमें दिखाई दे रहा है कि अंबाला के काली माता के मंदिर में मनीष अपहरणकर्ता के साथ दोस्त की तरह दाखिल हुआ था। 15 मिनट तक बैठकर दोनों में लंबी बातचीत भी हुई और बाद में अपहरणकर्ता वहां से चला गया, जिसके बाद मनीष ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। इस सीसीटीवी फुटेज के मिलने के बाद से ही मामला परिजनों से पैसे निकलवाने की कोशिश का दिखाई दे रहा है। मंदिर की सीसीटीवी देखकर पुजारी विष्णु पंडित भी हैरान है। बैठने के बाद 5 मिनट बैठे होंगे, 5 मिनट के बाद वो पीछे जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है हमारी, उसमें जाकर के गए हैं और वहां से 5 मिनट बाद ही वो लड़का वापिस आकर के वापिस चला गया। प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र का 9वीं में पढ़ने वाला बेटा मनीष सोमवार शाम ट्यूशन पढ़ने गया था और लौट कर नहीं आया। इसके बाद जितेंद्र के पास बेटे की रिहाई के लिए 50 लाख रुपए की फिरौती का फोन आया। पुलिस भले ही पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उसने किडनैपिंग का मामला सुलझा लिया है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। हम इंसाफ की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक महिला दिल्ली तक आई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, लेकिन इस महिला को आरोपियों ने इतना परेशान किया कि उसे चलती ट्रेन से कूदना पड़ा। कौशाम्बी के पास दिल्ली से पटना लौट रही ट्रेन से एक मां बेटी ने छलांग लगा दी। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। महिला के मुताबिक उसके ससुराल वालों ने जमीन के विवाद को लेकर उसके पति का कत्ल कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दोनों जब सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली से पटना लौट रही थी तो 3 दबंगों ने ट्रेन में आकर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। दबंग उन्हें केस वापस लेने की धमकी दे रहे थे और ऐसा न करने पर जान से मारने की भी धमकी देने लगे। इसके बाद दोनों माँ बेटी ने ट्रेन से छलांग लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो दो आदमी हमको धमकी दिया कि घर जमे बच के तब ना तो तोरा मार ही देबो, तो मारेगा कोची सर के हम लोग कूद गए। आम आदमी पार्टी की समस्याएं लगातार बढ़ती चल रही हैं। आज एक स्टिंग आया और जब वो स्टिंग सामने आया उसके ठीक बाद चौंकाने वाली खबर ये भी आई कि अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त समर्थक मानी जाने वाली अंजलि दमानिया ने इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के भीतर मचा घमासान और तेज हो गया है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा अंजलि दमानिया ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। अंजलि ने ट्वीट किया कि इस पार्टी का सिद्धांतों के लिए समर्थन किया था, खरीद फरोख्त करने के लिए नहीं। अंजलि दमानिया ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं बकवास करने के लिए आम आदमी पार्टी में नहीं आई थी। बताया जा रहा है कि अंजलि ने आम आदमी पार्टी पर लग रहे खरीद फरोख्त के आरोप से आहत होकर ये फैसला लिया है। 48 घंटे में ये जितने एलिगेशन है दोनों बाजू पे, इसके तहकीकात हो, मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ एडमिरल रामदास को, वो इसके तहकीकात करे, वरना हम सब, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगी, मैं अपने घर में सुकून से बैठ जाऊंगी, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए नहीं आई थी। गौरतलब है कि आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर दावा किया है कि विधानसभा भंग होने के पहले का ये ऑडियो क्लिप उनके और अरविंद के बीच हुई बातचीत का हिस्सा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल राजेश गर्ग से कह रहे हैं कि कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़कर अलग दल बनवाओ और वो दल हमें समर्थन कर दे। हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है मनीष वगैरह। मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं और इसी स्टिंग से आहत होकर अंजलि दमानिया ने अपने ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी का पक्ष क्या है, जानने के लिए हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी ने बात की आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह से। अंजलि दमानिया का एक और मामला सामने आया, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। वो अंजलि दमानिया जो 2 दिन पहले तक मयंक गांधी के खिलाफ खड़ी हो गई थी और आप लोगों की पार्टी उनके पीछे थी, आज वो अंजलि दमानिया कहती है एक ट्वीट कर कि मैं ये पार्टी छोड़ती हूँ। आपको धक्का लगा? बिल्कुल, अंजलि दमानिया जी हमारी एक मजबूत साथी हैं, ईमानदार साथी हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई महाराष्ट्र के अंदर लड़ी है और अभी मैंने उनसे बात भी की है। हम लोग उनसे बात करेंगे, उनके दिमाग में क्या भ्रम, किस तरह का कंफ्यूजन पैदा हुआ, उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। मुंबई से इस वक्त हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ हैं। दिनेश, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि अंजलि दमानिया को वो मना लेंगे और ये टेप सच है भी या नहीं ये तो पहले देखा जाना चाहिए। अंजलि दमानिया इस्तीफा देने की इतनी जल्दी में क्यों है?
देखिए बड़ी उम्मीदों के साथ वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन जिस तरह से ये स्टिंग है उसके बाद कहने की उनकी उम्मीद टूटी है ऐसा वो दावा कर रहे हैं। कुछ आपके नेता आज उनसे मिलकर भी आए, उन्हें मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया उसके बाद वो इन 48 घंटों में चाहती कि स्थिति जो पूरी तरह से साफ हो जाए, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दबाजी क्या थी इसको लेकर वो खुद भी कहने को तैयार नहीं। बस उनका ये कि जो उनका इमोशनल जुड़ाव था इस पार्टी के साथ, सिद्धांतों के साथ, वो कहीं ना कहीं इस स्टिंग के आवाज के बाद टूट कर आ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं समझा कि एक बार वो अरविंद केजरीवाल का पक्ष जान ले, पहले उनसे बात कर ले। देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं हर नेता के साथ यही एक दिक्कत है कि कोई बड़ा विवाद आता है तो वो आओ में आकर अपनी बात कह देते, बाद में उन्हें अपनी बात पीछे लेनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं अंजलि दमानी का भी ये जो कदम है, उन्होंने भावनाओं में आके कहा, किस वजह पे आके कहा, ये फिलहाल वो साफ करने को तैयार नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी इस पूरे विवाद में जरूर दिखाई दे रहा है कि आता है सच्चाई क्या किसे पता नहीं है। वो खुद कहती है कि 48 घंटों में इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन बिना जांच के पहले वो अपना इस्तीफा दे देती, क्या पता वो 48 घंटों में जब जांच पूरी हो या ना उसके बाद वो पीछे भी ले सकती। तो कहीं ना कहीं अपरिपक्वता कहीं ना कहीं इनके इस इस्तीफे के पीछे जरूर साफ नजर आ रहा है। दिनेश मौर्य धन्यवाद। आम आदमी पार्टी पर एक और बड़ा हमला अंदर से ही हुआ है। जवाब देते हुए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने जो चिट्ठी लिखी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम, उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात कही है। और उसमें एक बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि दिल्ली में सरकार बनाई जाए कांग्रेस की मदद से, लेकिन चूंकि बहुत सारे दूसरे नेता ऐसा नहीं चाहते थे तो वो सरकार उस समय नहीं बन सकी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की पार्टी से छुट्टी को लेकर मीडिया में चल रही खबरों के बीच दोनों ने एक लेटर बम जारी करके कार्यकर्ताओं को पूरी बात समझाने की कोशिश की है। इस चिट्ठी में लिखा है कि केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा अरविंद और उनके समर्थकों ने पीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा मांगा था। चिट्ठी में कहा गया था कि दिल्ली चुनाव में पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर संगीन आरोपों में घिरे लोगों को टिकट दिया जा रहा था, जिसकी जाँच की बात हमने की थी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से क्यों निकाला गया, इसके पीछे की वजहों का खुलासा आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने किया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इन दोनों को पार्टी से भी निकाला जाए। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में आशुतोष ने कहा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को इसलिए पीएसी से निकालना पड़ा क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वो दोनों इस्तीफा तभी देंगे जब मनीष सिसोदिया भी पीएसी से इस्तीफा दें। साथ ही ये दोनों गोपाल राय को भी पीएसी से बाहर करना चाहते थे। आशुतोष का ये भी दावा है कि दिल्ली चुनाव से पहले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ केजरीवाल के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि दोनों को पार्टी से निकालकर लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि कोई दूसरा इस तरह का काम न करे। योगेंद्र और प्रशांत पर आरोप है कि दोनों दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। अब बात केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की। आईआईटी के एक छात्र ने आरोप ये लगाया है कि उमा भारती की सिक्योरिटी ने गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन को कई मिनट तक स्टेशन पर रोके रखा, और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि उमा भारती लेट थी, वो समय पर आई नहीं थी। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए आईआईटी के इस विद्यार्थी ने बाकायदा एक लगभग 8.5 से 9 मिनट का वीडियो भी शूट किया है और उसे जारी किया है। रविवार रात झांसी स्टेशन पर जल संसाधन मंत्री उमा भारती के ट्रेन में बैठते ही गोंडवाना एक्सप्रेस चल पड़ती है। आरोप है कि उमा को स्टेशन में पहुंचने में हो रही देरी की वजह से गोंडवाना एक्सप्रेस को 3 बार चेन पुलिंग कर झांसी में रोका गया। चेन पुलिंग के इस पूरे वाक्य को कैमरे पर कैद किया है आईआईटी रुड़की में पढ़ने वाले छात्र अपूर्व ने। अपूर्व का दावा है कि उमा भारती के पर्सनल असिस्टेंट ने ट्रेन की चेन पुलिंग की। इस घटना के सामने आने के बाद उमा भारती पर आरोपों की बौछार होने लगी है। इस बीच जब IBN 7 ने उमा भारती से इन आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने कन्नी काट ली। उमा जी, ऐसा क्या सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट आ रहे कि आपके सपोर्टर ने आपके लिए ट्रेन रुकवा दी, चेन खींच के, ट्रेन डिले हो गया, लोगों को दिक्कत है आगे? पहले सर पोजीशन आपके लिए वेट कर रहे हैं। आईआईटी के छात्र अपूर्व का आरोप है कि उमा भारती के लेट होने की वजह से ट्रेन को गैर कानूनी तरीके से रोका गया, इस वजह से ट्रेन लेट हो गई और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया। रेल मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। रेल राज्य मंत्री कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में यह घटना लाई गई है
और उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है वो हमलावर है। रेलवे के सूत्रों का दावा है कि रविवार की रात गोंडवाना एक्सप्रेस करीब घंटे भर की देरी से चल रही थी, लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि गोंडवाना एक्सप्रेस झांसी रेलवे स्टेशन पर तय समय से 8 मिनट ज्यादा रुकी। झांसी में गोंडवाना एक्सप्रेस की स्टॉपेज 5 मिनट है, लेकिन उस दिन ये ट्रेन वहाँ 8 मिनट ज्यादा रुकी। साथ ही केंद्रीय मंत्री पर लगे आरोप के बाद रेल मंत्री ने जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। आई डोंट नो अबाउट द इंसिडेंट सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट आई एम सेइंग जनरली वी विल ट्रीट ऑल आवर पैसेंजर्स एज इक्वल्स। We feel that every person who travels by our train is a VVIP. रेल मंत्री इस घटना से अनजान है, लेकिन उनके डिप्टी रेल राज्य मंत्री ने माना है कि उनको घटना की जानकारी है और उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। ये सुना है मैंने आपसे, इस मामले को देखा जा रहा है। तो आप लोग क्या जांच करेंगे? इस तरह कोई भी पॉलिटिकल लीडर के VVIP कल्चर में ट्रेन नहीं रोकनी चाहिए? नहीं, तथ्य एक बार सामने आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। उधर पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी ने देश में चल रहे VIP कल्चर पर प्रहार करते हुए इसको जल्द खत्म करने की मांग की है और कड़ी कार्रवाई की बात की है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन देश दिन भर में जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्यों नीतीश विरोधी विधायकों ने भी उनके पक्ष में वोट डाला। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। दिलचस्प बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थक विधायकों ने भी नीतीश के समर्थन में मत डाला, और वो इसलिए उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि विधायकी चली जाए। जहां तक खुद जीतन राम मांझी का सवाल है, वो विधानसभा में अनुपस्थित रहे, नहीं आए। शपथ लेने के 17 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत के लिए नीतीश को कुल 140 वोट मिले, जबकि विरोध में कोई मत नहीं पड़ा, क्योंकि विपक्षी बीजेपी के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए थे और मांझी गुट के विधायकों ने भी नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया था। नीतीश कुमार के भाषण के बाद स्पीकर ने ध्वनि मत से विश्वास मत प्रस्ताव को पारित करने का प्रयास किया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से मांग की गई कि लॉबी डिवीजन के जरिए विश्वास मत प्रस्ताव का निर्णय हो, ताकि जनता किसी दुविधा में न रहे। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी तोड़ने की साजिश कर रही थी, लेकिन जेडीयू विधायकों की एकजुटता ने इसे नाकाम कर दिया। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। मुसलमानों के लिए आरक्षण को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। स्वाइन फ्लू ने देश भर में अब तक कई लोगों की जान ले ली है। हाल ही में मुंबई में एक गर्भवती महिला स्वाइन फ्लू का शिकार हो गई। मुंबई में अब तक 221 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। बॉलीवुड डायरेक्टर दिव्य खोसला और उनका 3 साल का बेटा भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। दिव्य ने फिल्म यारिया को डायरेक्ट किया है और फिलहाल वो सनम रे की शूटिंग कर रही थी। उधर झारखंड में भी बीमारी ने 3 लोगों की जान ले ली है। हिमाचल प्रदेश से अब खबर ये आ रही है कि वहाँ लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ गया है। वहाँ लगातार बारिश हुई है और इसी कारण से हिमाचल के कई रास्ते बंद हो गए हैं। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश के बाद जमीन दरकने लगी है। कुल्लू तेलंगमार पर चट्टान गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया था, जिसे 2 घंटे की मशक्कत के बाद खोला जा सका। वहीं कई रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से बंद पड़े रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मशीनरी की कमी से काम में दिक्कत आ रही है। देश दिन भर में आज इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए आप विवाद पर संजय दृष्टि।